निजी स्कूलों से फीस वसूली की प्रेरणा लेकर सरकारी स्कूलों ने भी छात्रों पर फीस के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इनके द्वारा छात्रों पर आर्थिक बोझ डालने के कई रास्ते निकाल लिए गए हैं। बता दें कि सरकारी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश शुरू हो चुका है, जिसमें शासन के निर्देशानुसार बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देना है, लेकिन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हसौद में प्राचार्य अरुण कुमार और जनभागीदार अध्यक्ष मनबोध साहू की ओर से बच्चों से शाला विकास समिति, खेलकूद, परीक्षा और नामांकन के नाम पर 900-950 रुपए वसूली की जा रही है। अभी तक लगभग 2 लाख रुपए से अधिक की वसूली कर ली गई है। वहीं छात्रों के लिए राशि का उनको रसीद भी नहीं दिया जा रहा है और रसीद मांगने पर स्कूल प्रबंधक गोलमाल जवाब दे रहे हैं। और इसलिए कुछ राशि लेकर के अतिरिक्त राशि, कितनी अतिरिक्त राशि बच्चों से ली गई बताइएगा? अतिरिक्त राशि के रूप में जैसे शासन जो फीस दिया है उसमें गेप करके उसको हाई स्कूल का 900 रुपया और हायर सेकेंडरी का 950 रुपया उनको एक स्केल बनाया गया और उसके आधार पर लेने का प्रस्ताव हमको प्राप्त होगा समिति। कुछ बच्चों से अभी कितना बच्चों से लगभग लिया जा चुका है? 20-25% बच्चे अभी जमा किए हैं, वो कन्फर्म मेरे को जानकारी नहीं, जो अच्छा शिक्षक उनको वसूल कर रहे हैं, उनका हिसाब मिला नहीं। जो मुझे आपसे पता चला और हम यहाँ से कार्यालय से पत्र जारी कर रहे हैं, प्राचार्य से पूछ लेते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्योंकि अनुचित है, 900 रुपये कहीं से भी उनको लेने का अधिकार नहीं है। जी मैम, रसीद भी नहीं दी गई है, जो 900-950 रुपए उनसे लिया गया है तो उसका रसीद भी नहीं दिया गया। रसीद देकर भी इतना पैसा नहीं ले सकते, वो इतना पैसा लेना ही नहीं। अभी तो शासन से फीस के लिए जो आया था उसको भी निरस्त किया गया, वो भी अभी जारी होना है। जारी